थोड़ा टाइट नहीं हो गया? टाइट हो गया? मुझे अनिका नहीं लगता है टाइट। बाल नहीं, बाल नहीं बनाया मैंने। अच्छा लग रहा हूँ ये हमारे विलेन शर्मा एक नंबर के बेकार नहीं है। देखिए फैंस के सामने कैप्चर होते हुए बिना नहाए हुए तू साइड हो जा, तू क्यों बीच में आ रही है? तब क्यों बैठी हुई है? पापा का फोन नहीं, दीदी के फोन से खींच बेटा, साइड से भी खुलता है ना। हाँ बेटा साइड से भी कैमरा खुलता है। ठीक दोनों एक ही मत मानो, इसको लग रहा था मैं कुछ नहीं मानता। चलिए हर चीज राज है, सब है जो है वो समा है। ये जो विलेन शर्मा के हाथ में ये अंगूठी है, ये हमने दिलाई थी, अभी तक नहीं उतारी इन्होंने और इसका पैसा भी नहीं दिया अभी तक। ये अंगूठी कितना टाइम हो गया? अबे बहुत टाइम हो गया, मैं 9th या 8th में था जब ये साक्षी को पटा रहा था, तब की बात है। तीन दिन बढ़ाओ मैं भाई इस बंदे से। इस बंदे को देखो, सकल मेरी हो चुकी। तूने अगर पोस्ट किया ना तो फटेगा मेरे से, कैसे नहीं करता। पता लगना था मैंने बोलने वाले बेटा। अब हो गया। अरे यार इतनी कौन फॉर्मेलिटी करता है, कैमरे में पहले रिकॉर्ड हो गई है। पहले क्या था, अब क्या है? लड़कियों वाली बीच है सो हमारा। अब यार भाई गोपाल को गोरा कर देंगे पूरा भर के। तो ये है कि ब्यूटी पार्लर एक ऐसा कैमरा है जो कोले काले को भी गोरा बना देगा। अच्छा था स्नैपचैट इतना ब्यूटी पार्लर, ये तो मरते टाइम में सारे B612 में बड़ा अच्छा लगता था। मैं दो लोग हमारे घर में बेशकर ठीक कौन घर में लोग मैं कभी ना आया मैंने कभी नहीं आया मैंने कभी नहीं आया मैं भैया आपकी कैप आते हुए जिनके राखी बन रही है वो उनको हम नहीं ले पा रहे। मिस्टर रेहान दास पीछे हो ये राकेश दास, इनके वहाँ पे भी जाएंगे ना पार्लर में। अरे ना अच्छा पैसे कोई नहीं है बोल रहा। ये रिमोरी फोटो है इनके साथ, ये मेरे भाई है राकेश भी नहीं राजू नाम और इनकी एक फेसबुक वाली फोटो देखी है लाल टी शर्ट में। ओ भाई ऐसे वाली गॉगल भी लगा रखा वाली पप्पू बोल रही है बीच में ना दोस्त अपने दोस्त के साथ। हाँ वही तो बता बात कर रहे हो। मैं पहले लेता था ऐसी विक्की कौशल के साथ मैं लेता था पहले ऐसी फोटो। एक फोटो खींच रही है मुसू की मिठाई कहाँ है? मुसू पतली है भाई। अभी राखी बाकी बन गई और मैं थोड़ा नीचे आ गया मार्केट में। एक्चुअली दोस्तों का फोन आता तो मैं चलता हूँ दोस्तों से भी मिल गया हूँ तो यहाँ रहता है दोस्त। और ये सामने वाली स्कूटी उसी की है, स्कूटी है खड़ी बंदा ऊपर ही है सोनू। तो गाइस अभी मैंने फ्लैश ऑन कर लिया है तो अब थोड़ी अच्छी क्वालिटी आ रही होगी है ना भैया। देखो दो लौंडे आ रहे हैं स्कूटी में। मोड़ लिया तूने, रोक रहा था वो, रोक रहा था वो बंदा रोक रहा था पुलिस वाला। ये देखो ये कौन सी जगह पता है? कमेंट में बताना अगर आपको हैदराबाद। हैदराबाद
बार बार कंट्री के वो प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनकी बैठक होती है। अच्छा, तो भाई मीटिंग होती है यानी यहाँ पे है। अच्छा, अगर तुम लोगों ने मोड़ लिया तो इसमें भी मोड़ लिया देख के। देखो कितना साफ सुथरा एरिया भाई। भाई एक बात तो सच है, दिन में भले जितनी भीड़ हो जाए, रात में दिल्ली उतनी भीड़ नहीं होती है भाई। बिल्कुल शांत है, देखो कोई भी नहीं है, ना इंसान ना इंसान की जात पता है। भाई ऐसा कुछ होता है, 2 महीने बाद आ रहा हूँ। शीला दीक्षित की बोलती है भाई, शीला दीक्षित जी देख जानता हूँ तो यार अगर आए हो ना चैनल में तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, आपको मदद हो रहा है, फ्लैश ऑन हो रखी है ना। क्या कहना चाहते हो भाई? मैं ठीक हो, तुम सब बढ़िया है, कुशल मंगल। तो भाई अभी यहाँ पे काम चल रहा है इंडिया गेट में थोड़ा बहुत। क्या भाई मेरे से कुछ कहना चाहते, क्या कहना चाहते? सेकिंग कराऊंगा, फकिंग नहीं। तो अभी गाइस हमें दिल्ली रेलवे स्टेशन छक्को को कह रहा बहन माफ कर, छक्को को कह रहा बहन माफ कर दो। तो लड़की से लगी है, अबे लड़की नहीं थी वो, लड़की यही थी जो उसके पास अभी सारे ही छक्के थे। तुम्हें पता ही है मेरे को, दीदी माफ कर दो चूतिया। दीदी माफ कर दो, वो इससे माफ करने से आ रहा है। भिखारी से पूछता बंदा, भाई कितना कमा लेते हो? वो कहता अगर ये बहन के बड़े माफ करने वाले अपनी मारा जुदा है ना। तो भी आगे चलने आगे देखो। अबे क्या हो गया भाई? चाय की दुकान में चाय, दो चाय दे दो। लस्सी कुछ ऐसी मिलती है 20 रुपए की भाई, 20 रुपए की। तो ये कितने की है भाई? 80 रुपए। वही तो मैं कह रहा हूँ, सहनी हमें सजा है, हम है बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, शब है जो है वो समा